हिंदी सिनेमा के एवरग्रीन अभिनेता देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 में पंजाब के गुरुदासपुर इलाके में हुआ था और उनका जन्म का नाम था धर्मदेव आनंद। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद पेशे से वकील थे, लेकिन देव साहब पिता के पेशे से हमेशा दूर रहे। उन्होंने अंग्रेजी विषय से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और भारतीय सेना में बतौर एक लिपिक ऑफिसर नौकरी करने लगे, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिजनों को पढ़कर सुनाने का काम मिला और उनका वेतन केवल 175 रुपए था। देव साहब ने सेना की यह नौकरी केवल एक साल तक की और नौकरी छोड़ने के बाद वे अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास मुंबई आ गए। मायानगरी में देवानंद साहब का संघर्ष चलता रहा और सन 1946 में उन्होंने बतौर अभिनेता पहली फिल्म में काम किया और फिल्म का नाम था हम एक हैं, जो कि पर्दे पर असफल साबित हुई। लेकिन सन 1948 में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी ने देव साहब को स्टार बना दिया। बतौर अभिनेता पर्दे पर अपना जादू चलाने के साथ साथ देव साहब फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाने लगे और सन 1949 में अपने प्रोडक्शन हाउस निकेतन फिल्म्स की नींव रखी। उनके प्रोडक्शन की पहली फिल्म अफसर ही फ्लॉप साबित हुई, जिसका निर्माण उनके भाई चेतन आनंद ने किया था। इस फिल्म में देवानंद साहब के साथ सुरैया पर्दे पर दिखी थी। देव साहब ने हार नहीं मानी और दूसरी फिल्म बाजी बनाई, जो कि एक सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था देव साहब के जिगरी दोस्त गुरुदत्त साहब ने। बाजी की सफलता के बाद देव साहब की निर्माण कंपनी निकेतन ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें 9-2-11, टैक्सी ड्राइवर, हम दोनों, फंटूस और ज्वेल थिप जैसी फिल्में शुमार हैं। वहीं देवानंद साहब के छोटे भाई विजय आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म गाइड ने भारतीय सिनेमा का चेहरा ही बदल कर रख दिया और देव साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जिताया। वहीं एक्टिंग में रंग जमाने के बाद बहुआयामी प्रतिभा के मालिक देवानंद साहब ने सन 1970 में डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया और बतौर डायरेक्टर उन्होंने प्रेम पुजारी, हरे राम हरे कृष्णा, हीरा पन्ना और देश प्रेम जैसी फिल्में बनाई। देव साहब और अभिनेत्री सुरैया का प्रेम भी खूब चर्चा में रहा, लेकिन किसी कारणवश ये दोनों कभी एक ना हो पाए। सन 1954 में देवानंद साहब ने मशहूर अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, बेटा सुनील आनंद और बेटी देवीना आनंद। हरफन मौला देव साहब ने हिंदी सिनेमा को कई अनमोल सितारे दिए जो आज बॉलीवुड में जगमगा रहे हैं। लेकिन 3 दिसंबर सन 2011 को देवानंद साहब ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। स्पेशल रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री।